भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पीड़ित किसानों की जमीन को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किए जाने और सरकार द्वारा कोई मुआवजा न मिलने को लेकर जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसको लेकर ग्रामवासियों के किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा मिलना था, लेकिन अभी तक सरकार और आगरा विकास प्राधिकरण का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि कई बार किसानों के लिए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने जिला अधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा है, फिर भी अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई है। आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए एक बार फिर जिलाधिकारी आगरा को किसानों की जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को दिलाने की मांग की और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही सुनवाई न होने पर किसानों द्वारा भारी संख्या में रोडों पर उतर कर आंदोलन करने को भी कहा। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत रायपुर का निवासी हूँ। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पिछले महीने दो तीन महीने के भीतर हमने कई सारे आंदोलन किए। 16 फरवरी को सन 2024 को हम सभी गांव वालों ने, पीड़ित किसानों ने, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सन 2009 में भूमि अधिग्रहण कर ली, जिसका ना तो सरकार ने अभी मुआवजा दिया है और ना ही जमीन वापस करी है। इसके उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमने जल समाधि संकल्प लिया था, जिसमें डीएम साहब द्वारा 28 तारीख को आगरा विकास प्राधिकरण की बैठक आहूत की थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि किसानों की आगरा विकास प्राधिकरण की एक संयुक्त बैठक कराई जाएगी, जिस बैठक में पूर्ण निर्णय लिया जाएगा कि जमीन का होना क्या है। इस बात को 3-4 महीने हो गए हैं, अभी साहब डीएम साहब ने ना तो डीएम साहब ने इस पर कोई संज्ञान लिया है, ना आगरा विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। हम आज ज्ञापन सभी लोगों, पीड़ित किसानों का ज्ञापन देने आए हैं कि आज हमारा 3-4 दिन का टाइम है ज्ञापन में। अगर 3-4 दिन के भीतर हमारी समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो पुनः एक उग्र महाभारत की तैयारी होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उपेंद्र सिकरवार, भारतीय किसान मानुष है। मामला ये है कि 936 हेक्टेयर का मामला है, 100 मीटर इंडियन रोड का ये फर्स्ट फेज का है, रेनकला रायपुर का जो अवशेष भूमि है 442.4412 हेक्टेयर जो बची है उसका मैटर अभी चल रहा है। 14 साल हो गए उसका कोई समाधान नहीं हुआ। डीएम साहब ने ये हमसे आश्वासन दिया था, फरवरी में डीएम साहब ने कहा था कि हम आपका समाधान 1 महीने में कर देंगे, और 1 महीने के बजाय आज 7 महीने हो गए, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इस समाधान के लिए हम डीएम साहब से आज ज्ञापन देने आए थे और उसका समाधान के लिए आए थे कि आप क्या कहना चाहते हैं, या हमें मरवाना चाहते हैं या जिंदा रखना चाहते हैं। हम डीएम साहब से यही मांग करने आए हैं और हमें ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये लास्ट ज्ञापन है, फर्स्ट एंड लास्ट। या तो हमें 10 दिन में इसका जवाब दो, इसका प्रस्ताव भेज दिया है ADA वालों ने, प्रस्ताव भेज दिया शासन के लिए, जो भी कहते हैं कि हमने प्रस्ताव भेज दिया शासन के लिए, शासन करेगा जो कुछ करेगा, शासन करेगा, शासन नहीं करेगा आप करेंगे, और आपके उत्तरदायित्व है, जिले का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है और आप देंगे। और आपने 1 महीने का टाइम दिया था फरवरी में, आज 6-7 महीने हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। हम 10 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन में अगर नहीं हुआ, हमारा जो प्रस्ताव भेजा है उसका समाधान नहीं हुआ शासन से, तो हम 10 दिन में घोर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है दादा? लत्थू काका। इसलिए आए हैं कि 2009 में हमारी भूमि अधिग्रहण कर ली, किसानों जो है आस में इसकी में बैठे रहे, आज तक जो है सरकार आई चली गई, अधिकारी आए चले गए, हम बराबर इसका संघर्ष कर रहे हैं, बराबर इसको जो है हमने कई बार धरना लगाए, आंदोलन करे, लेकिन हमारी कोई कहीं पर सुनाई नहीं होती है। जो 3 बार प्रस्ताव गया है कि जमीन वापस करेंगे, 2-2 साल घुमा देते हैं और जमीन महंगी में ही रहती है, किसान जो है मारा जा रहा है, ना तो उसे KCC मिलती है और ना उसे कोई जमानत के लिए मतलब जमीन लगती है, क्योंकि उसमें विकास प्राधिकरण का नाम है आगरा विकास प्राधिकरण। अब इसलिए किसान जो है बहुत तबाह हो गया है, अब इसकी तबाही देखी नहीं जा रही है। अब तो जो है कि जो DM साहब को आज ज्ञापन सौंपा है,
इसके उपलक्ष्य में जे है कि अब तक धरना तो आंदोलन बहुत हुए, लेकिन अब महाभारत होने की तैयारी है। महाभारत होगा, डीएम साहब समझ रहे नहीं है, उनको हमने 8 महीने का समय दिया है, 8 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब आंदोलन होगा और महाभारत होगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।